इंडियन आइडल की लाइन होती है ना, बिल्कुल वैसा लग रहा है। पता नहीं वो अंदर जाके पास होंगे या रिजेक्ट। पास होंगे माँ, पास। अरे भाभी जी, आप? अच्छा, तो आप भी अपना सैंपल चखाने आई हैं? लाला जी ने आने दिया? कमाल है, वहां वो मैदान छोड़ के भाग रहे हैं और आप यहाँ पे जंग लड़ रही हैं। चल क्या रहा है, दुकान तो आप लोग बेच ही रहे हो, तो फिर ये भाग दौड़ क्यों? आप कीजिए जो आपको करना है, हम हमारा देख लेते हैं। ये आपको डर है कहीं ये ऑर्डर मुझे ना मिल जाए? आपको मिले मुझे मिले, बात तो एक ही है भाभी जी, अब आपकी दुकान मेरी ही तो है ना। रूपचंद जी? जी मैं। ये सैंपल है आपका? जी हाँ। सेठ जी 5 मिनट में फ्री हो जाएंगे, फिर मैं आपको बुलाता हूँ। एक्सक्यूज मी, इनके पहले से यहाँ खड़े हैं हम। बस की लाइन नहीं है भाई, अपॉइंटमेंट से एंट्री है। अपॉइंटमेंट ली थी तुमने? यदि नहीं ली थी तो अपॉइंटमेंट लेके जाइएगा कल की, और यदि और भी किसी ने अपॉइंटमेंट नहीं ली है तो प्लीज ले लीजिए, उसके बगैर एंट्री नहीं है। रूपचंद जी मैं आपको बुलाता हूँ। क्या करोगे आप लोग कल आकर? ऑर्डर तो आज मुझे मिल ही जाएगा। जा घर जाके आराम कर। माँ जेकब को कॉल करता हूँ, वो यहाँ किसी को जानता होगा। मैडम आप सेठ जी को नमकीन चखाने आए थे, हो गया काम आपका? दीपक और जेकब दोनों फोन नहीं उठा रहे माँ, समझ नहीं आ रहा क्या करें, कल ही आना पड़ेगा लगता है। किसको मिलना है आपको? सेठ जी को मिलना है ना, मैं मिला देता हूँ। अरे मेरी बहुत पहचान है, सेठ जी मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। सेठ जी बहुत अच्छे आदमी हैं, हमेशा आते जाते हालचाल पूछते हैं। लाइए लाइए मुझे दे दीजिए, मैं सेठ जी को चखा देता हूँ। एक सेकंड भैया, आप प्लीज जाइए यहाँ से। माँ ये कहीं सैंपल लेके भाग ना जाए। मैं क्यों भागूंगा, भरोसा रखिए, आप मुझे दे दीजिए, चलिए लाइए। पर आप हमारी इतनी मदद क्यों करना चाहते? आपने मुझे 200 रुपए क्यों लौटाए थे? ये लो, कोई और जगह ढूंढो, हमें दुकान खोलनी है। लाइए दे दीजिए मुझे, मैं सेठ जी को देता हूँ, आप लोग बाहर ही रुकिए। नमस्ते सेठ जी। संजय हाँ, कैसे हो? आपकी कृपा है। कुछ चाहिए? नहीं नहीं सेठ जी, मैं तो आपको मिलने को आया था और ये चखाने को आया था। वो मैडम है ना, उनके पास अपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छी हैं। ये सैंपल उनका है, चख लीजिए ना। ठीक है आप यहाँ वेट कीजिए। हाँ ठीक है। हमारे भी कनेक्शंस हैं, पहुंच गया हमारा सैंपल उनके पास। सर स्वाद तो बहुत जोरदार है। स्वाद तो अच्छा है, लेकिन मैं इसे खाना समझकर नहीं, लक्ष्मी माँ का प्रसाद समझकर गरीबों में बांटता हूँ। माता के भक्त हैं ये लोग, स्वाद 19-20 हो तो भी चलेगा, लेकिन इसे बनाने वाला लक्ष्मी माँ का सच्चा भक्त होना चाहिए। सुख सागर नमकीन। सर ये तो वो लाला निरंजन की दुकान है। सर मैं जानता हूँ इन्हें बहुत अच्छे से, कुछ साल पहले ये आए थे ऑर्डर के लिए, लेकिन बहुत बदतमीज आदमी है सर। उस टाइम इन्होंने झगड़ा भी किया था, मुझे याद है। जिसका आचरण अच्छा ना हो लक्ष्मी माँ का सच्चा भक्त कैसे हो सकता है? नहीं मना कर दो इन्हें। इतनी बड़ी ज्वेलरी की दुकान है और बस एक वॉचमैन के भरोसे पे छोड़ रखी है, और वो भी सो रहा है। कमाल है, कोई भी आएगा और दुकान साफ करके चला जाएगा। वो इतना क्यूट है ना, मैं तुझे क्या बताऊं, ही इज जस्ट सो स्वीट। बस
इतना ही? नहीं नहीं, उसने मम्मी का बर्थडे भी मनाया मेरे साथ। सच स्वीट जेस्टर ना। हाँ, केक जो खाना होगा उसे। अरे धोखेबाज, आज तक तूने मुझे कभी एम्प्लॉय डिस्काउंट नहीं दिया और उसे दे दिया। तू तो अफोर्ड कर लेती है ना, जिसको जरूरत होगी उसको मिलेगा डिस्काउंट। अब वैसे वो बेचारा था इसीलिए डिस्काउंट दिया या क्यूट था इसलिए? देख मैं तुझे बता रही हूँ, दोनों पक्का जॉबलेस होंगे, तभी तो इकोनॉमी रेंज में भी डिस्काउंट मांग रहे थे। देख, ही इज नॉट योर टाइप, प्लीज दूर रहना उनसे। गुंजन, मनी इज नॉट एवरीथिंग। अब तू ही बता, तू कभी पैसों के लिए शादी करेगी? हाँ, अब आई मीन डिपेंड करता है कितने पैसे। 100-200 करोड़ के लिए तो शादी कर ही लूंगी, और वैसे भी आई डोंट वांट इकोनॉमी रेंज लाइक तेरा केक वाला। गुंजन छोड़ तू, चल अब। हाँ हाँ चल। तुम कब आए? बस अभी। अभी कभी? I mean, आ ही गए थे तो हाय बोल देते। हाय। अब हाय। हाय। बाय। अब मैं चलती हूँ। क्यों, क्या हुआ? मुझे वो ना एक न्यूज़ कवर करनी है, थोड़ा अर्जेंट है। लेकिन तेरी छुट्टी थी ना आज, हम शॉपिंग जाने वाले थे। तेरी भी तो छुट्टी है ना, फिर भी तू आई ना। तू एक काम करना, तू मुझे ना फ्री होकर कॉल कर, ठीक है? बाय बाय। तो आज के दिन स्टोर बंद रहता है क्या? इसलिए कोई दिखाई नहीं दे रहा था, वो सिक्योरिटी गार्ड भी बाहर सो रहा था। वैसे आपके बॉस बहुत ज्यादा खड़ूस हैं क्या? नहीं नहीं, मेरे बॉस बहुत अच्छे हैं। ही इज अ वेरी नाइस मैन। तो फिर आप छुट्टी के दिन पे क्यों काम कर रहे हो? वो तो बस मेरी आदत है, छुट्टी का दिन है, पेंडिंग काम पड़ा था तो मैंने सोचा यूटिलाइज कर लेती हूँ छुट्टी। वेरी स्मार्ट। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।